बहुत ही बड़ी सौगात मिली मुझे मुजफ्फरपुर को, 3 फ्लाईओवर्स गोइंग टू बिल्ट इन मुजफ्फरपुर डैट मीट्स एट टावर चौक। 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं मुजफ्फरपुर में, जो लास्टली जाकर मिलेगा टावर चौक के ऊपर। तो चलिए इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज, क्या मुजफ्फरपुर में ये 3 ब्रिजेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, और इनकी सारी डिटेल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ये प्रोजेक्ट को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दे दिया गया है, और जो इस 3 फ्लाईओवर को बनाएगा। और इन 3 फ्लाईओवर के अलावा एक और नया फ्लाईओवर जो पास किया जाएगा फ्यूचर में, वो बनेगा बढ़म जेनिथ पेट्रोल पंप से ब्रह्मा कुमारी तक, जो कि अघोरिया बाज़ार चौक के ऊपर से होकर गुजरेगा। तो ये एक और फ्यूचर में फ्लाईओवर बन सकता है मुजफ्फरपुर में। ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा जाम का समस्या है ये सब के कारण। तो ये 3 ब्रिजेस कहाँ कहाँ बनेंगे, तो पहला ब्रिज सरैयागंज और टावर चौक के बीच में बनेगा, दूसरा ब्रिज जो है वो सिकंदरपुर रोड से टावर चौक के बीच में बनेगा, और तीसरा जो है वो तिलक मैदान रोड से टावर चौक तक बनेगा। तो मेनली ये 3 ब्रिजेस बनने वाले हैं हमारे मुजफ्फरपुर में, और बहुत ही सही बनने वाले हैं। तो ये जो तिलक मैदान रोड से टावर चौक तक जो बनेगा, वो डायरेक्ट टावर ब्रिज पे कनेक्ट होगा, और वहाँ से सीधे तिलक मैदान में से आगे जो मोती झील का ब्रिज है वो डायरेक्ट उसमें टच हो जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा ब्रिज होने वाला है, और काफ़ी लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। तो पहला जो ओवर ब्रिज होगा ना, वो कंपनी बाग से शुरू होगा और गांधी चौक पे ख़त्म होगा, विया सरैयागंज टावर एंड पंकज मार्केट। ये दोनों सरैया, ये जो ब्रिज है वो सरैयागंज टावर और पंकज मार्केट के ऊपर से होकर गुजरेगा। और दूसरा जो फ्लाईओवर है वो सिकंदरपुर चौक से शुरू होगा और टावर चौक के थ्रू मोती झील टाउन थाना जो है वहाँ पे जाके मोती झील ब्रिज पे टच हो जाएगा, जो मैंने बताया कि सीधे वो फ्लाईओवर है सीधे ओवर ब्रिज पे ही रहेगा, और दोनों टच हो जाएगा दोनों साइड। तो ये लंबा ओवर ब्रिज होगा। जो थर्ड जो फ्लाईओवर है वो तिलक मैदान रोड से संतोषी माता मंदिर तक जाएगा। तो मेन जो मोती झील जो ब्रिज है वहाँ से 5 ब्रिजेस टच होंगे एक दूसरे से। तो एक्चुअल में 2018 में ये सारे प्रपोजल सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि 2019 में आप जानते हो इलेक्शन था, तो नीतीश कुमार ने ये सारे प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लिए थे, और 2020 में ये काम शुरू होने वाला था, टेंडर मिलने के बाद काम शुरू होने वाला था। तो एक्चुअल में हुआ तो हुआ क्या, काम क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक, होगा या नहीं होगा, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये काम शुरू नहीं हो पा रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि शुरू हो भी पाएगा, क्योंकि पटना में ही नीतीश कुमार का सारा प्रोजेक्ट शुरू होता है और पटना में ही ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली पटना में नए फ्लाईओवर्स बनाने थे और न्यू गांधी सेतु बनाना था, तो वहाँ पे अगर फंडिंग कम पड़ जाती या कोई दिक्कत हो जाता तो पटना को काफ़ी दिक्कत होता। हालांकि पटना में 50 ओवर ब्रिजेस हैं बहुत सारे, और गांधी सेतु भी है, लेकिन न्यू गांधी सेतु बनना भी नीतीश कुमार के हिसाब से ज़रूरी है। बाकी शहर हालांकि पानी में डूब जाएं या फिर कुछ भी हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो मेनली उनका सारा ध्यान पटना के ही ऊपर है, और पटना में ही सारा प्रोजेक्ट उनका ख़त्म हो जाता है। तो इससे बाकी डिस्ट्रिक्ट को क्या मिल रहा है, बाकी जो 37 जो सिटी हैं उनको क्या मिला, कुछ नहीं। लेकिन इनमें से जो कुछ सिटीज़ हैं ना, वो खुद से काम लेना जानते हैं, वो आवाज़ उठाना जानते हैं, उसमें मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर में कभी कोई आवाज़ नहीं उठता। यहाँ पे 3 और प्रोजेक्ट्स आए थे, जिसमें से सिर्फ एक लेक ब्यूटिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट रह गया, बाकी सारे प्रोजेक्ट को यहाँ से हटा दिया गया, और यहाँ के लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ के लोगों को। यहाँ तक जब 2017 या 18 में
एम्स को जब सुरेश कुमार शर्मा ने भेज दिया दरभंगा, तो यहाँ के लोगों ने तब आवाज़ नहीं उठाया, तब आज क्या ये सब तो छोटे मोटे मैटर हैं, तो ये लोग वैसे भी आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर बहुत डाउनफॉल में जाने वाला है। ऐसे भी नीतीश कुमार को बहुत नफरत है मुजफ्फरपुर से। सेज की बात हुई थी मुजफ्फरपुर में। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का मतलब क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस जोन में ना जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको बहुत कम टैक्स लगता है, और वो आके मतलब उस जगह पे बहुत कम टैक्स दे के अपना फैक्ट्री या अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग वहाँ पे लगाते हैं। तो ये चीज़ मुजफ्फरपुर में 1800 एकड़ दिया गया था, बट नीतीश कुमार ने क्या किया कि उसने बोला मेरे पास 1000 ही एकड़ है यहाँ, क्या नाम है जगह जगह, हाँ फुलवाड़ी शरीफ। फुलवाड़ी शरीफ में इन्होंने कहा कि आप सेज का ट्रांसफ़र कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि पटना में ही, क्योंकि मुजफ्फरपुर बहुत आगे बढ़ जाता, और इस पे भी मुजफ्फरपुर के लोगों का कोई आवाज़ नहीं उठा। मुजफ्फरपुर को बहुत प्रॉफिट हो सकता था, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता, बहुत कुछ फ़ायदा होता, एम्स तक आता मुजफ्फरपुर में तो बहुत फ़ायदा होता। लेकिन आज देखो दरभंगा ने अपना आवाज़ उठा के एम्स को ले ही लिया आखिर। लेकिन अब नीतीश कुमार को लगा कि मैंने इतनी सारी सौगात वहाँ से हटा दी है, और कैंसर हॉस्पिटल सिर्फ दे दिया है, कैंसर हॉस्पिटल वो भी टाटा ने कहा, तो इस नीतीश कुमार के दिमाग में आया कि अगर मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर मुजफ्फरपुर से ले लेता हूँ तो बहुत हो हल्ला हो जाएगा, क्योंकि एम्स भी हटा दिया गया, ये भी हट जाएगा, इसी कारण से इन्होंने ये पास कर दिया टाटा का कैंसर हॉस्पिटल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ किया नहीं हमारे सिटी के लिए। तो अब समय आ गया इलेक्शन का, तो अब फिर से इन्होंने सौगात दे दी है कि SKMCH में ये हॉस्पिटल बनेगा, वो हॉस्पिटल बनेगा, एक्स्ट्रा ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, इतने बेड्स बनेंगे, 2500 बेड्स बनेंगे। तो ये सारी झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अखाड़ा घाट में इतना जाम लग रहा था, जो कि 85-90 साल पुराना ब्रिज है, वो कब गिर जाएगा उसका पता नहीं है। तो ये इन्होंने सोचा कि मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा, मुजफ्फरपुर तो मुझे वोट देगा नहीं, इसी कारण से इन्होंने दिमाग लगाया और मुजफ्फरपुर ओवर ब्रिज का एक प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर में दे दिया। वो भी ये पैरेलल ब्रिज होगा, और जो पहले वाला ब्रिज है वो चालू ही रहेगा, ये नहीं होगा कि बगल में ब्रिज बन गया तो उस पहले वाले ब्रिज को तोड़ के और एक और ब्रिज बनाया, उसी पे ब्रिज बने जो दोनों तरफ आने जाने का रास्ता होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो सेंट्रल अप्रूव्ड ब्रिज पैरेलल टू अखाड़ा घाट ब्रिज इन मुजफ्फरपुर, मतलब एक ब्रिज रहेगा लेकिन ये ब्रिज चलते ही रहेगा, ये ब्रिज गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद देखा जाएगा गिर जाएगा तो, इनका ये ऐसा कहना है। ये क्योंकि इन्हें वोट चाहिए था, तो एक तो ब्रिज कुछ तो काम करना पड़ता ना इन्हें। और ये जो आप स्मार्ट सिटी का सारा काम देख रहे हो ना, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया गया है इसको हाईटेक सिटी बनाने के लिए, तो उस पैसे से इस पर काम हो रहा है ना। ये नहीं सोचना कि स्टेट गवर्नमेंट ने इतना किया है, कुछ रोड बना दिए हैं, वो भी 2 नंबर रोड बनाए हैं, उसमें भी पैसा गायब कर दिया गया है। 20 दिन में एक रोड बना था लक्ष्मी चौक से बैरिया तक, वो भी रोड 20 दिन में ही टूट चुका है, आप जाके भी देख सकते हो। तो ये हाल है, और आज भी मुजफ्फरपुर के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही रहना है, गंदगी में इन्हें रहना है, आदत सी हो गई है इन्हें। तो अब इससे ज़्यादा मैं बुराई नहीं कर सकता मुजफ्फरपुर का, ऐसे भी इसका डाउनफॉल आना शुरू हो चुका है और ये बहुत नीचे जाने वाला है, बाकी शहर इसे बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। तो आखिर में अगर ये ब्रिज बन जाता है तो कुछ तो रिलीफ होगी ही मुजफ्फरपुर के लोगों को, ऐसे भी ये बोलना नहीं जानते पर वोट तो देना जानते हैं ना, वोट से तो हार जाएगा अभी। हालांकि फिर से नीतीश कुमार जीत सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक ब्रिज तो दे दिया मुजफ्फरपुर को, तो यही काम कर दिया इन्होंने, और इतनी सारी झूठी सौगात भी दे दी है, तो वो फिर से अगले साल से बनना बंद हो जाएगा, सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे, सारे प्रोजेक्ट्स पटना में चले जाएंगे। इसमें भी डाउट था लोगों को कि पता नहीं ये ब्रिज बनेगा भी नहीं अखाड़ा घाट वाला, तो लोग जान ही रहे हैं कि सारे झूठे प्रपोजल्स होते हैं, लेकिन सॉइल टेस्ट कर लिया गया है तो इस हिसाब से लोगों को लग रहा है कि कहीं ये ब्रिज बन जाए, क्योंकि पिछली बार भी ओवर ब्रिज के लिए ना सारे सॉइल टेस्ट हो गए थे, सब कुछ जगह एक्वायर कर लिया गया था, लेकिन जब काम का टाइम आया ना तो पैसा फंडिंग नहीं मिला, तो इसी कारण से इसमें अभी भी डर है कि ये ओवर ब्रिज पता नहीं इलेक्शन अगर जीत भी जाए नीतीश कुमार तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए क्या होता है हमारे साथ, हमारे मुजफ्फरपुर का हालत ख़राब है। 3 प्रोजेक्ट्स मैंने बताया जिसमें सिर्फ एक पार्क छोड़ दिया गया है, बाकी 2 प्रोजेक्ट्स को यहाँ से भगा दिया गया है, यहाँ एक पार्क बन रहा है।
तो ये 42-43 करोड़ के लागत से ये एक छोटा सा ब्रिज बनेगा, 600 मीटर का ब्रिज है, तो ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है इसमें, इसीलिए नीतीश कुमार ने दिमाग लगा दिया इसमें कि चलो इसमें हम इतना पैसा दे सकते हैं और बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, वोट भी मिल जाएगा, यहाँ से हम जीत भी जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा दिमाग लगा दिया नीतीश कुमार ने। और अगर आप पटना घूमने चले जाओगे ना, तो बहुत लोग गए ही होंगे, तो यहाँ पे तो सिटी के बीच में ना 8-लेन रोड है, लेकिन आपको यहाँ पटना को छोड़ के किसी सिटी में 8-लेन रोड नहीं, 8-लेन क्या 4-लेन नहीं मिलेगा, सिर्फ हाईवेज को छोड़ के, हाईवेज तो 4-लेन बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, बाकी जगह को दिक्कत हो जाएगा ना, तो बाकी जगह के लिए ये चीज़ बनाना ही पड़ेगा। बाकी अगर पटना अगर 100% है तो बाकी सिटीज़ सिर्फ 10% से भी नीचे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये 36 करोड़ रुपए मिला है अखरा घाट ब्रिज को छोड़ के, हाई लेवल ब्रिज बनाने के लिए अखरा घाट बूढ़ी गंडक पे, तो ये बहुत पहले ही मिल चुका था, हालांकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा और पता नहीं होगा भी या नहीं हो पाएगा, तो इसको भी साइड रखते हैं। ये बूढ़ी गंडक के अलावा, ये ब्रिज के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ बनने वाला भी है। इसके लिए भी देख लिया गया था, सारा जगह मेंशन कर लिया गया था कि कहाँ से कैसे बनेगा, सारा कुछ नापी भी हो चुका था, लेकिन ये भी लगता है प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। मुजफ्फरपुर से ये भी प्रोजेक्ट शायद हटा दिया गया है। तो देखिए आखिर मुजफ्फरपुर को मिलता है तो मिलता क्या है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट इसे छीन लिए जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं जो 40 करोड़ के अंदर 45 करोड़ के अंदर बनने वाले हैं, वो इसे दे दिए जा रहे हैं। तो यही था यहाँ तक का वीडियो। और ये अखरा घाट ब्रिज जो है वो 24 घंटे में लगभग 10 घंटा या 12 घंटा उस पर जाम ही रहता है, तो इसी कारण से ये नीतीश कुमार जान रहा था कि मुझे इस बार वोट नहीं मिलेगा, तो उसने लास्ट टाइम में दिमाग लगा दिया है। ये सारा काम इलेक्शन से एक साल पहले ही होता है और इलेक्शन के बाद सारा कुछ कैंसिल भी हो जाता है, काम भी नहीं होता, तो समझ ही जाओ कि मुजफ्फरपुर के साथ क्या होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।